बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डेली किचन विद अस्मा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये आलू की कतलियाँ हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा। चलें चलते हैं हम अपने इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। सबसे पहले ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और उसको मैंने ये गोल फॉर्म में काट लिया है। ये मैंने दही लिया है, 1 कप दही शामिल किया जाएगा इसके अंदर। साथ में 1 कप मलाई, मैंने घर की मलाई ली है, और 2 टेबलस्पून के करीब सिरका जाएगा इसके अंदर। पे हम 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लेंगे। साथ में जो हमें मसाला जात में चीजें चाहिए, 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने हस्ते जायका इस्तेमाल करें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून के करीब हमने साबुत लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, लेकिन ये मैंने थोड़ा मोटा क्रश किया है। साथ में 1/2 टीस्पून के करीब अजवाइन ली है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, ये 1 दालचीनी और मोटी इलायची ली है। चलिए अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने ये कुकर ले लिया है, इसमें ये जो आलू हैं ये हम शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद जितने भी मैंने आपको मसाला जात बताए थे ये सारे शामिल कर देंगे। ये बहुत इंस्टेंट बनता है और बहुत ही मजे की रेसिपी है, आप इसे प्लीज जरूर ट्राई करें। और ये मैंने मलाई इसमें शामिल कर दूंगी। ये साथ में ही दही ये शामिल कर देंगे, और इसके साथ लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप सिरका, आप ये लाजमी शामिल कीजिएगा, ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसको और साथ में 1/2 कप के करीब हम पानी डालेंगे। आप ग्लास की मिकदार ले लें और उसको 1/2 गिलास पानी का डाल लें। ये मैं शामिल कर दूंगी, ये मैंने मलाई वाले ही बाउल में डाल दिया है। साथ में जो मैंने आपको ऑयल बताया था वो शामिल कर देंगे। देखें जी मेरे कॉकटेल कितने मजे से बोल रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी इनसे भी मुलाकात करवाऊंगी। अब हम इसको वेट लगा देंगे और इसकी सीटी बजने का इंतजार करेंगे। जब इसकी सीटी बजना स्टार्ट होगी तो हम इसे 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसे बंद करके ठंडा कर लिया है, अब हम इसे खोल लेंगे। अच्छे से रेडी हुए हैं। अब मैंने इसमें हरी धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, आप इसे जरूर ट्राई करें। 2 मिनट की रेसिपी है और टेस्ट में बहुत अच्छी है। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।